हेलो हेलो दोस्तों, ये है हमारे गांव की गौशाला की गाय। बहुत सारी गायें हैं, देखो 100-150 गाय से ऊपर है जो आवारा घूमती है। इस टाइम उसको पकड़ के इकट्ठा करके और गौशाला में 2-3 आदमी रखा है हम लोग, और देखते रहिए। वो बड़ी टोली है गायों की, और ये देखो जो ज़्यादा परेशान करती है उसको कैसे बांध कर ये लोग काबू में किया है। तो कितनी हरियाली है, खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। बारिश भी बहुत है, बारिश के टाइम में देखो गाय चराने के लिए और भी बहुत ही आनंद आता है। और मुरली बजाने वाले तो गोपालक है जो गाय चरा रहे हैं, और गांव का नज़ारा देखिए। देखो खेती में है, जा रहे हैं वो लोग गाय चराने के लिए। वहाँ पे गोचर भूमि है गवर्नमेंट की, जो सरकारी ज़मीन है हमारे गांव में, बहुत उसको अलग अलग गांव में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मुझे मालूम नहीं आपके गांव में क्या बोलते हैं, हमारे गांव में गोचर भी बोलते हैं, ताल भी बोलते हैं, तो आपके गाँव में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। तो आप देखते रहिए कितना सुंदर व्यू है और कितना हरियाली है यहाँ। देखते रहिए गायें बहुत है, तो गाय का दूध भी पीते हैं ना तो बहुत पौष्टिक होता है। 1-2 दूध मिलते हैं इनको, इन लोगों को दूध पीने को बहुत मिलता है। तो देखते रहिए हमारे वीडियो अंत तक। और कैसा लगा वीडियो को, जो न्यू है मेरे वीडियो पे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर कर दे प्लीज़, जो भी आपको। और ये मेरे खेत का वीडियो हमारे का, जो पीछे से देखिए खेती कितनी खूबसूरत है। बाजरे का खेती है और यहाँ तिल और मूंग भी है। तो वीडियो ये देखो, सिट्टी बोलते हैं हमारे राजस्थान में ये बाजरे का, इसमें दाना पड़ने वाला है, अभी थोड़े दिन में दाना पड़ जाएगा तो और भी दिखा दूंगा। और ये देखो तिल है, और अंदर है ककड़ी, और है ये मूंग, बहुत सारे देखो थोड़ा खेती है लेकिन सब कुछ मिलता है हमें खाने के लिए। इसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जी, हरे फल, फ्रूट सब मिल जाएगा इसी इतनी खेती में। तो ऊपर वाला मेहरबान है इस टाइम, तो बारिश का मौसम हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत है नज़ारा। देखते रहिए एंड तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी लोगों को, मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं। और जो न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कैसा लगा वीडियो मेरा कमेंट में बताइए, ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कितनी हरियाली है देखो, हरा चारा पशु जो भी खाते हैं तो कितना खुश होते हैं। तो ये है देखो तिल, जिसमें वाइट फूल आया है, देखो कितने मस्त फूल आया है, जूम करके दिखाया है आपको। तो देखते रहिए मेरा वीडियो और कमेंट में ज़रूर बताइए अपनी राय, कैसा लगा मेरा वीडियो। और देखो खेती में कितने अच्छे अच्छे फल फ्रूट मिल जाएंगे सस्ते में। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।